नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम मानव अधिवासों के जो प्रकार हैं उन प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे तथा डिटेल में हम ग्रामीण अधिवास को समझेंगे। पिछले जो वीडियो लेक्चर में हमने मानव अधिवास क्या होते हैं, इनकी क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी उत्पत्ति की क्या कारण है तथा इनकी उत्पत्ति किस रूप में हुई, अधिवासों के निर्माण के क्या उद्देश्य हैं और मानव अधिवासों की उत्पत्ति तथा उनके विकास को कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं और किस रूप में प्रभावित करते हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा की थी। और उसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानव अधिवासों के प्रकार या अधिवासों के प्रकार। सेटलमेंट टाइप्स की यदि बात करें तो मानव अधिवासों को विभिन्न आधारों के आधार पर जो है विभाजित किया जाता है। ये आधार स्थल या स्थिति हो सकती है कि अधिवास की स्थिति कहाँ पर है, उसके आधार पर इनको जो है हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे मैदानी अधिवास, अंतःपर्वतीय अधिवास, गिरिपादीय अधिवास, पठारी अधिवास, जंगली अधिवास या मार्ग संगम अधिवास या नोडल पॉइंट जो सेटलमेंट है वो हो सकते हैं। इसी तरीके से इनको आकार के आधार पर भी अधिवासों को विभाजित कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि अधिवास में दो चार मकानों के समूह से लेके जो सैकड़ों हजारों ग्रहों के समूह जो है हम सम्मिलित करते हैं। जैसे दो चार घरों के जो समूह को पुरवा कहते हैं, उससे बड़ा जो अधिवास हो सकता है वो ग्राम, नगरीय ग्राम, कस्बा, शहर, महानगर। तो ये सब जो अधिवासों के प्रकार हैं वो वर्गीकरण आकार के आधार पर किया जाता है। इसी तरीके से जो है आकारिकी या मॉर्फोलॉजी के आधार पर भी अधिवासों का वर्गीकरण किया जाता है कि वो किस आकृति का है, अधिवासों का जो बाह्य स्वरूप है वो किस तरीके का है, इस आधार पर भी अधिवासों का वर्गीकरण किया जाता है। जिसमें रेखीय अधिवास, आयताकार अधिवास, इस तरीके के जो नाम है हम जब हम अधिवासों के प्रतिरूप पैटर्न जो पढ़ेंगे उसमें भी हमें देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से जो अधिवासों का वर्गीकरण है वो कार्यात्मक आधार पर किया जाता है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। हालांकि आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपसे जो है स्थल या स्थिति के आधार पर भी जो अति लघुतात्मक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से अधिवास होते हैं, कि नहीं दो के या चार के नाम बताइए, आकार के आधार पर, आकारिकी के आधार पर, ग्रहों की संख्या या उनके घनत्व के आधार पर अधिवासों के प्रकार बताइए। बाकी जो अपन डिटेल में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्यात्मकता या कार्य प्रमुखता के आधार पर अधिवासों का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है। तो कार्यात्मकता या कार्यों की प्रधानता के आधार पर जो है अधिवासों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट जो पहला जो प्रकार है वो है रूरल सेटलमेंट और दूसरा जो है मतलब जैसे ग्रामीण अधिवास कहेंगे और दूसरा है अर्बन सेटलमेंट। जो रूरल सेटलमेंट या जो ग्रामीण अधिवास है वो हम इस प्रकार के जो अधिवास हैं, देखो कार्यात्मकता के आधार पर वर्गीकरण किया है, मतलब प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय में जो संलग्न जनसंख्या है उनके आधार पर ही अधिवासों को जो है विभाजित किया जाता है। अब ग्रामीण अधिवास की यदि अपन बात करें तो यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है या इन अधिवासों में जो निवास करने वाले अधिकांश लोग प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होते हैं या इनकी जो जीविका का जो मुख्य साधन है वो जो है प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में मुख्य रूप से कृषि जो है वो इनका आधार होता है। वहीं जो ये मोटा मोटा रूप से क्लासिफिकेशन है कि प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जो जनसंख्या जिन अधिवासों में निवास करती है वो ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। दूसरा जो अधिवास का प्रकार है वो है अर्बन सेटलमेंट या नगरीय अधिवास। इनमें जो है नगरीय अधिवासों में जो निवास करने वाली जनसंख्या है वो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसायों में अधिक संलग्न होती है। इस तरीके से जो नगरों की अधिकांश जो जनसंख्या है उद्योग, निर्माण कार्य, व्यापार, वाणिज्य, विभिन्न प्रकार की सेवाओं में कार्यरत होती है। फिर और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो जो रूरल सेटलमेंट है यहाँ ये जो होते हैं सिंगल फंक्शनल होते हैं। ज्यादातर जो ग्रामीण अधिवास जो होता है वो मुख्य रूप
एक कार्य, मतलब प्रधान वहां पे एक कार्य होता है या एक व्यवसाय होता है, जैसे कि कृषि के आधार पर बसे हुए होते हैं, कि खनन जो है वहां पे खनन की क्रिया अधिक हो रही है, मछली पालन, तो वहां पे अधिकांश लोगों का जो व्यवसाय है वो सिंगल होता है, एक होता है। वहीं अर्बन जो अधिवास होते हैं या नगरी जो अधिवास होते हैं वो मल्टीफंक्शनल होते हैं, बहुप्रकार्यात्मक होते हैं। यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होती है, या उनके कार्यों में जो विभिन्नता है वो अधिक होती है। इस तरीके से इन दोनों का जो आपसे अंतर भी यदि पूछा जाए तो वो भी इस स्लाइड में हम साथ साथ ही समझेंगे। जैसे रूरल सेटलमेंट अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होती है, अर्बन में द्वितीयक तृतीयक तथा चतुर्थक व्यवसायों में संलग्न होती है। ये सिंगल फंक्शनल होते हैं, एक प्रकार्यात्मक होते हैं, और अर्बन जो सेटलमेंट होते हैं वो मल्टी फंक्शनल या बहुप्रकार्यात्मक होते हैं। वहीं जो है इनमें जो प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता होती है, जिसमें फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री जो है, कृषि हो सकता है, खनन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, और वनों से जो है वन व्यवसाय से रिलेटेड, जैसे संग्रहण भी हो सकता है या लकड़ी या फर्नीचर का काम भी हो सकता है। सेकेंडरी और टर्सरी जो एक्टिविटीज है, द्वितीय और तृतीय व्यवसायों की प्रधानता होती है, जिसमें इंडस्ट्रीज निर्माण कार्य है और सर्विसेज सेवाएं जो है वो ज्यादा होती हैं। तो ये जो है इन दोनों में जो डिफरेंस था, बाकी हम जब इनकी विशेषताएं देखेंगे अलग अलग से, जब हम रूरल सेटलमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, अर्बन सेटलमेंट को जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो और क्लियर आपको इनके मध्य जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि हम इस लेक्चर में हम डिटेल में रूरल सेटलमेंट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, कि इसमें रूरल सेटलमेंट में हम देखेंगे कि भाई रूरल सेटलमेंट होते क्या है, रूरल सेटलमेंट के या ग्रामीण अधिवासों की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, किन आधारों पे जो है ग्रामीण अधिवासों को विभाजित किया जाता है, और मेन जो है पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट की, ग्रामीण अधिवासों का जो प्रतिरूप या उनकी आकारिकी जो है वो कैसी होती है। ये टॉपिक जो है हम ग्रामीण अधिवास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं कि भाई ग्रामीण अधिवास या रूरल सेटलमेंट होते क्या हैं। हम ग्रामीण जो अधिवास होते हैं, यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होती है, या उनकी जीविका का जो आधार है वो प्राथमिक क्रियाएं होती है। इस तरीके के अधिवास या ऐसे अधिवास जहाँ की 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होती है या कार्यरत होती है, वे अधिवास ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। ग्रामीण बस्ती प्रत्यक्ष रूप से भूमि के नजदीकी संबंध, प्राथमिक व्यवसाय कौन से होते हैं जिनका सीधा भूमि से संबंध होता है, वो या प्रकृति से जिनका डायरेक्ट जो है संबंध होता है, वो सारे व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या ना, ग्रामीण बस्ती का जो प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंध होता है, भूमि से संबंध होता है, इट मीन्स वो प्राथमिक गतिविधियों की बात करता है। ग्रामीण अधिवासों की यदि हम आकार की बात करें तो ये कंपैरेटिवली जो है छोटा छोटे होते हैं नगरीय अधिवासों की तुलना में, से पुरवा, पल्ली, गांव के रूप में ये जो है अधिवास देखने को मिलते हैं। अब ग्रामीण अधिवासों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे इनकी विकास के लिए जलापूर्ति, यहाँ के जो अधिकांश जो गांव होते हैं वो जल स्रोतों, नदी, झील, झरनों, इनके समीप स्थापित होते हैं, क्योंकि मानव को श्रम की आवश्यकता के लिए और अपने पशुओं के लिए या अन्य कार्यों के लिए उसे जल की आवश्यकता होती है। दूसरा है मिट्टी, भूमि या मिट्टी। ग्रामीण अधिवास की जो अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न होती है, इसलिए वहां उनको उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है फसलों के उत्पादन के लिए। तो अधिकांश जो है ये बस्तियां वहीं बसी होती है जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता होती है। उच्च भूमि क्षेत्र, हाँ, गाँव को बसाने के लिए जो है ऐसे क्षेत्र को चुना जाता है जो आसपास के एरिया से थोड़ा ऊंचा होता है, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति में जो है होने वाली क्षति से बचा जा सके। नेक्स्ट जो है इनकी गृह निर्माण की जो सामग्री है, अधिवासों में जो मकान बनाने के लिए लकड़ी, पत्थर या विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियों की आवश्यकता होती है,
तो जहाँ पे जो ये सामग्री आसानी से इजीली अवेलेबल होती है, तो ऐसे क्षेत्रों जो है वहाँ पे रूरल सेटलमेंट जो है वो विकसित होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि, सुरक्षा जो फैक्टर है वो भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करता है, उनके उद्भव को भी और उनके विकास को भी। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों से जो भी विद्रोह की स्थिति होती है, उनसे निपटने के लिए मुख्यतया जो गांव है वो जो है पहाड़ी या द्वीपों पर बसाए जाते हैं। इसलिए भारत में जो कल्चर भी रहा है कि जो ऊंचे दुर्ग वाले जो स्थान है वहां पे जो है प्रारंभ में बस्तियां बसाई जाती थी। अब जो है अपन प्रकार से पहले ग्रामीण आदिवासियों की जो विशेषताएं हैं उनको हम जान लेते हैं। मैंने इसमें स्लाइड मेंशन नहीं किया, मैं वैसे समझा देती हूँ। ग्रामीण आदिवासियों की जो विशेषताएं हैं इसको अपन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में बांट के पढ़ सकते हैं। सामाजिक समानता पहली है, सामाजिक समानता। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो अधिकांश लोग हैं उनका, चाहे आप रहन सहन देख लीजिए, उनका पहनावा देख लीजिए, उनकी जो वेशभूषा है, उनका खान पान, इन सब में जो है समरूपता पाई जाती है। कुछ कुछ गिने चुने परिवार को गांव में छोड़कर अधिकांश जो लोग हैं निम्न मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। इस कारण उनके जो सामाजिक विशेषता है उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। और सामाजिक जो भी उत्सव होते हैं, मेले, बाजार, इन सब में सभी लोगों की समान भागीदारी होती है। तो लगभग एक जैसा ही जो है सभी घरों का जो है वातावरण पाया जाता है, सभी लोगों में जो है सामाजिक समानता पाई जाती है। दूसरी जो मेजर विशेषता है वो है अनौपचारिकता। जो ग्रामीण लोग होते हैं उनमें औपचारिकता या फॉर्मेलिटी का अभाव पाया जाता है। सामान्यतः जो ग्रामीणीयता या रूरलिटी की जो विशेषता है वो ही होती है अनौपचारिकता। ये आपस में इनमें मेल झोल का भाव होता है, दिखावेपन का अभाव होता है। तो इस तरीके से इन एक दूसरे के घर में आने जाने के लिए या बैठने या खाना खाने, इन सब चीजों के अंदर जो है वो औपचारिकता नहीं पाई जाती है। अगर आप नगरी आदिवासों में या नगरों में देखोगे, सिटी में देखोगे, तो वहां पे आप यदि किसी घर पे जा रहे हो तो बैल बजाओगे, मतलब ये औपचारिकता होती है बैठने से जो है, या जो है खाना खाने के लिए औपचारिक रूप से आपसे पूछा जाता है। बाकी ग्रामीण जो निवास में देखोगे आपको बैल बजाने की जरूरत नहीं, सीधा आप उनके घर में एंटर कर सकते हो। इट मीन्स उनमें जो है औपचारिकता का अभाव पाया जाता है। तो ये भी जो ग्रामीण निवासों की प्रमुख विशेषता होती है कि वहाँ औपचारिकता का अभाव पाया जाता है, मीन्स अनौपचारिकताएं होती हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है प्रकार्यात्मक समानता। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि मुख्यतया ये सिंगल फंक्शनल सेटलमेंट होते हैं। ग्रामीण प्रदेशों की जो सामान्यतया जो लोगों का जो समान आय वर्ग के होते हैं या समान आय वर्ग के लोग ही एक स्थान पर निवास करते हैं। इनमें कोई स्पेशली कोई विशिष्ट आय वर्ग का खंड जो है वो गांव में बना हुआ नहीं होता। जैसे शहरी क्षेत्रों के अंदर आप देखोगे एलीट ग्रुप का क्षेत्र या पोस इलाका जो है आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से गांव में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। लोगों को, अधिकांश लोगों की जो है आय में समानता होती है, क्योंकि ज्यादातर जो जनसंख्या है वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, तो उनके आय के जो स्रोत हैं वो सेम होते हैं। डिफरेंस भी पाया जाता है तो उनका कोई विशेष जो है अलग से खंड गांव में बना हुआ नहीं होता। तो उनमें प्रकार्यात्मक समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय विशेषताएं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की हुई होती, इसलिए वातावरण में प्राकृतिक स्वरूप पाया जाता है। फिर जो एक इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो हम जनांकी की या डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स लें, इनकी जनांकी की विशेषता की यदि हम बात करें तो विश्व के अलग अलग देशों में जो है वो जनसंख्या का जो आकार है वो गांव के लिए वो अलग अलग होता है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 5,000 तक की जनसंख्या वाले जो अधिवास हैं वो ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। ये तो हो गई जनसंख्या के आकार की बात। घनत्व की यदि अपन बात करें तो ग्रामीण अधिवासों का घनत्व शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम पाया जाता है, और यहाँ पे जो अधिवास है वो प्रकीर्ण होते हैं, एक दूसरे से दूरी पर बसे हुए होते हैं, खुले खुले घर बने हुए होते हैं। इस तरीके से
जो इस लेक्चर में हमने भाई आदिवासियों का जो वर्गीकरण है उनके प्रकार हमने जाने, प्रकारों में रूरल और अर्बन सेटलमेंट में क्या डिफरेंस पाया जाता है, फिर हम रूरल सेटलमेंट